The STMC schools in the capital have launched a wash program. So, ma'am, tell us, wash program se aap bachchon ko kya sikha rahe hain? Through this program, we are teaching them about their personal hygiene, how to keep themselves clean. And with the help of different modules, we are teaching them. And there's been a remarkable increase in the attendance. Children are following these personal hygiene steps and they are liking it. And this is being taught through different modules like plays, recitation, drawing competition, etc. And they are religiously following it. In fact, they're spreading it to their community also. And they're enjoying it. हमने ये सीखा है जब हम खाना खाते हैं तो हम सिंपल सा हाथ धोते थे तो हमारी एक नई मैम आई थी जो हमारी क्लास में हमको कुछ देखा था उसने तो उन्होंने हमें अच्छी तरह से हाथ धोना सिखाए हैं हम हाथ धोते हैं और अच्छी तरह से खाना भी खाते हैं और जब हम खेल के आते हैं तब भी हाथ धोते हैं और जब हम टॉयलेट जाते हैं तब हम फिर भी हाथ धोते हैं और जब हम टॉयलेट जाते हैं तब भी उसके अंदर हम पानी डाल के आते हैं और पानी डाल के ही शौच करते हैं शौच और आपको पता है ना बच्चन साहब को कविताएं बहुत पसंद है और आप लोगों ने एक स्वच्छता पे कविता भी बनाई है तो बैठ के बताओ सबसे पहले हाथों को हम गीला करेंगे साबुन को हथेलियों के बीच मलेंगे नाखून को हथेलियों पर गोल गोल घुमा जमी हुई मैल को दूर है भगाना उंगलियों के बीच से कीटाणु बार बार करेंगे अंगूठे की सफाई हर बार करेंगे हाथों को पीछे से भी हटाना कलाई को तो बिल्कुल भूलने जाना हाथों को तो पानी की कोशिश करेंगे तब हमारे हाथ साफ सुंदर चमकदार बनेंगे और काम आसान करेंगे याद रहे खाने से पहले स्वच्छता साबुन का वेरी गुड और आपका एक सवाल था ना मैं सर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में सबसे ज्यादा गंदगी कौन फैलाना चाहता है और सबको ज्यादा किसको डांट पड़ती है बच्चन साहब बताइए इन्हें मुझसे पूछ रहे हैं अमित जी सबसे ज्यादा गंदगी मैं ही फैलाता हूँ मैं अपने आप को डांटता रहता हूँ लेकिन अभी जब से हमने ये सारा अभियान शुरू किया है हमारे घर में अब साफ सफाई रहती है हर दो दो मिनट पर हम देखते रहते हैं किस कोने में गंदगी है उसको स्वयं जाके साफ करते हैं अच्छे अच्छे उनको वेस्ट बास्केट में डालते हैं उसका सेग्रीगेशन करते हैं अलग वेस्ट बास्केट में और जो है प्लास्टिक जो है उसको हम कम कर रहे हैं और अभी आपने बात की थी प्लास्टिक के बारे में मैं इधर देख रहा हूँ कि बहुत सी जो दिनचर्या की चीज़ें खरीदी जाती हैं मार्केट से पहले प्लास्टिक की थैली में आती थी अब वो कपड़े की थैलियों में आने लग गए हैं खादी के कपड़े खादी का बैग उसमें आने लगे हैं कई लोग जो है कभी कोई किसी को उपहार देना हो गिफ्ट देना हो वो प्लास्टिक की थैली में ले जाते थे बट आई एम नाउ सीइंग दैट यू नो लॉट ऑफ देम आर पुटिंग देम इन दिस खादी मेड बैग के ऊपर अपना ब्रांडिंग वैंडिंग सब चल रहा है वो कीजिए लेकिन कम से कम एक तो सुंदर भी लगता है और इट्स यू नो इट्स गेटिंग रिड ऑफ द प्लास्टिक तो इस तरह की चीज़ें हम अपने घर में करते रहते हैं